स्कूल कॉलेज और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है, लेकिन आए दिन ब्लास्ट की धमकियां मिलने के बाद भी अब तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। बस धमकी के बाद उस स्थान पर सर्च ऑपरेशन चला और फिर इतिश्री कर ली जाती है। इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जयपुर के एसएसजी पारिक कॉलेज के बाद अब पारिक स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें अज्ञात ने लिखा कि स्कूल में बम छिपा दिए गए, तुम सब मारे जाओगे, सभी बम अलग अलग समय में फटेंगे। साथ ही ईमेल में फिलिस्तीन को आजाद कराने की बात कही। सूचना पर पुलिस अधिकारी एटीएस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, स्कूल को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कहीं कोई बम नहीं मिला। वहीं से पहले मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट और दो कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यहां भी सर्च करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन पुलिस अधिकारियों के दिमाग में एक ही सवाल है कि बार बार बम की धमकी देने वाला ये मास्टरमाइंड है कौन? क्या वास्तव में धमकियां किसी आतंकी संगठन द्वारा दी जा रही या फिर कोई सरपिरा ऐसी धमकियां दे रहा है? पुलिस अधिकारियों की माने तो जयपुर पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से ईमेल भेजने वालों तक पहुंचने का प्रयास है। मेल में यही लिखा कि ये फिलिस्तीन के संपर्क में आई हुई है कि भाई फिलिस्तीन को फ्री करो और हमने आपकी इस स्कूल में कोई बॉम्ब रखा है और वो एक्सप्लोड होने वाला है और सभी लोग इसमें नुकसान उठाएंगे, आप फिलिस्तीन को फ्री करें, अल्लाहु अकबर, कुछ इस तरह का सा लिखा हुआ है। बम की धमकियों के मामले में इस साल में अब तक 7 बार से ज्यादा बार एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि एक थ्रेट में पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा भी था। जयपुर पुलिस उस शख्स से पूछताछ करती, लेकिन उससे पहले ही मुंबई पुलिस उसे अपने साथ ले गई, क्योंकि उसने मुंबई एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पिछले मई में 13 मई को एक साथ जयपुर की 68 स्कूल में बम रखा होने की ईमेल आई थी। सर्च ऑपरेशन में कोई बम नहीं मिला। इसके बाद जून माह में 2 दिनों में लगातार 2 कॉलेज, 1 स्कूल और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो मेल के बारे में जाँच की जा रही है, मेल कहाँ से आई है और जो इसके बारे में जांच कंप्लीट होगी, हम उस हिसाब से एफआईआर रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि इन घटनाओं के बाद जयपुर पुलिस के आला अधिकारी साइबर एक्सपर्ट की मदद से असली गुनहगार तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक इन मामलों में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसे में कुछ लोग ये भी सोचने पर मजबूर है कि झूठी थ्रेट के बाद कहीं असल में कोई बम ना फट जाए। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।